हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। मुंबई में शिवसेना वर्सेस कंगना रनौत, ये लड़ाई देखने को मिल रही है। सवाल यही कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा, जिस तरीके से कंगना का दफ्तर तोड़ दिया गया। बिल्कुल अखिलेश, और बीएमसी की जो त्वरित कार्रवाई है, सवाल जरूर खड़े होते हैं, क्या अब कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन मुंबई में नहीं देखने को मिलेगा, क्या कहीं भी पानी नहीं भरेगा, सवाल यही। लेकिन हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी जुड़ गए हैं। अबू आजमी साहब, कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप कंगना रनौत के लिए, क्या है ये, क्या महिलाओं की इसी तरह इज्जत होगी अब इस देश में? नहीं नहीं, मैं तो जैसे को तैसा, नहीं 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 नहीं, तो महिलाएं क्या सर पर बैठ के बोलेंगी क्या? महिला होने का मतलब क्या हो गया कि आप जो चाहे कह दें? देखिए, आप पहले कह रहे हैं कि ये कंगना रनौत वर्सेस शिवसेना, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्या कह दिया? मैं तो शिवसेना वालों से निवेदन करूंगा, भूल जाओ, छोड़ दो, इनको आने जाने दो। कहा ना, नहीं नहीं, उसने कहा, उसने ये, मुझे जो बुरा लगा है सबसे ज्यादा, मैं इस महाराष्ट्र में, मुझे पैदा करने वाली मेरी माँ उत्तर भारत हो सकती है, उत्तर प्रदेश हो सकती है, लेकिन मुझे पालने वाली मेरी माँ महाराष्ट्र है। अगर महाराष्ट्र की कोई बुराई करेगा कि महाराष्ट्र की पुलिस पे आपको भरोसा नहीं, अरे वो महाराष्ट्र की पुलिस जो आज स्कॉटलैंड की पुलिस है, जिसका किया जाता है, आप उसके उसके ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाएंगे? और इसी महाराष्ट्र में आकर सुशांत सिंह की डेथ मिस्ट्री नहीं सुलझा पाई, यही स्कॉटलैंड की पुलिस है। बड़ा ये हास्यास्पद भी लगता है। चलिए छोड़िए, मुझे ये बताइए, बात अब आगे बढ़ चुकी है, सुनिए, बात अब आगे बढ़ चुकी है, सुन तो लीजिए। नहीं 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 नहीं, कंगना रनौत ने यहाँ तक कह दिया कि बाबर और उसकी सेना है जिसने ये कार्रवाई की है, जो उनका घर तोड़ दिया गया, उनका दफ्तर तोड़ा। सुन लेते हैं, सुन लेते हैं अखिलेश, चलिए बोल लीजिए अब आगे फिर इस सवाल का जवाब। ये जो है ना, इसके पास, सुनिए सुनिए, सबसे पहली बात आप जो कह रहे हैं ना कि ये जो बाबर और उसकी सेना, ये हमेशा मुसलमानों को टारगेट कर रही है। बाबर की सेना क्यों कह रही है ये? और कहती है ये औरत, ये कहती है कि इस्लामिक डोमिनेशन को मैंने फिल्म से खत्म कर दिया, क्योंकि वो अपने इस तरह की लैंग्वेज, दफ्तर को राम मंदिर कह रही है, इसलिए बाबर की सेना का जिक्र है। कोई मुसलमान को टारगेट नहीं किया जा रहा है, ये हिंदू मुसलमान एंगल आप देने की कोशिश कर रहे हैं अबू आजमी। बिल्कुल किया गया है, इस्लामिक नहीं, कला के अंदर मैं कर रहा हूं। अरे उसने ये कहा, आप इस बात पे क्यों नहीं बात करती हैं? उसने कहा कि मैंने इस्लामिक डोमिनेशन को फिल्म में खत्म कर दिया। क्या मतलब इसका होता है? क्या इस्लामिक डोमिनेशन चल रहा है फिल्म के अंदर? अगर कोई मुसलमान फिल्म में काम कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, शब्दों का चयन गलत हो सकता है, इसका क्या मतलब है? आप बेशर्म कहने लगेंगे एक महिला को? आपको अपनी भाषा पे भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना। मैं तो जरूर कहूंगा बेशर्म, जो मेरे नहीं नहीं मेरी भाषा, तब तो आपको ये भी लग रहा होगा कि संजय राउत ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो भी बिल्कुल सही था। अबू आजमी जी, तब तो आपको ये भी लग रहा होगा ना कि फिर जो संजय राउत ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया कंगना के लिए, वो भी सही होगा। ठहरे हुए पानी में पत्थर मारोगे तो लहरें टकराएंगी, एक्शन का रिएक्शन होता है, एक्शन हुआ उसका रिएक्शन हुआ। अब ये जाकर बीजेपी की गोद में बैठकर आरएसएस की बोली बोलेगी? मेरा महाराष्ट्र में आरएसएस की सरकार नहीं है, और जब ये आरएसएस की बोली बोलेगी तो इसको सिक्योरिटी दे दी जाएगी दिल्ली की। यहां बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, सिक्योरिटी मांग रहे हैं, सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है, नहीं मिलती है सिक्योरिटी, और दिल्ली की सरकार सिक्योरिटी दे रही है वाई कैटेगरी, इसलिए कि उनकी बोली बोल रही है। तो अब तकलीफ इस बात की है, जहां तक घर तोड़ने का सवाल है, आरएसएस की भाषा बोले, शिवसेना की भाषा बोले, सुनिए, आप चाहते हैं शिवसेना की भाषा बोले, समाजवादी पार्टी की भाषा बोले कंगना रनौत? सवाल पूछ रहे हैं सत्ता पक्ष से। नहीं नहीं, उसको दे, उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की भाषा बोलना चाहिए। इस देश के अंदर भाईचारगी को खत्म करने की नहीं, भाईचारगी को जोड़ने वाली बात बोलना चाहिए उसको। इसके ये जो है इस्लामिक डोमिनेशन बोलना हमारे दिल में छुपता है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो आदमी गुस्सा होता है ना, तो गुस्से में आदमी बहुत गलत बातें भी बोल देता है, गुस्सा हराम होता है, इसलिए गुस्से में बहुत कुछ बोला जा सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। एक्शन का रिएक्शन है ये। जहां तक उसके ऑफिस को तोड़ने का सवाल आप कह रहे हैं ना, जब सुनिए सुनिए, जब उसके ऑफिस को डिमोलिशन की बात कर रहे हैं, तो जब कोई ऐसी चीज आती है तो बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं और आकर इन्फॉर्मेशन देते हैं कि देखो फलाने की ऑफिस इलीगल है, तो म्युनिसिपैलिटी को पहले मालूम नहीं रहता ना, कहां कहां देखेंगे घर में जाकर के, कोई झांकने नहीं जाता। जब एप्लीकेशन आ गई कि भाई ये इलीगल है, इस पे एक्शन लो, नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे, तो म्युनिसिपैलिटी अच्छा, अच्छा, और एक्शन अच्छा, लिया उसके ऊपर, तो कौन सा अच्छा, बड़ी मासूमियत से अबू आजमी साहब आप जवाब दे रहे हैं। आप एक सुलझे हुए नेता हैं, आपको पता होगा कि हर जानकारी होती है। मैं मासूम ही हूँ। अच्छा, तो एक और जवाब दे दीजिए, अगर इतनी मासूमियत से आप जवाब दे ही रहे हैं। आपने संविधान का उल्लेख कर दिया, तो इसी संविधान में तो अभिव्यक्ति की आजादी का भी जिक्र है, जो कि मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है।
अगर कंगना उसी राइट के तहत अपनी कोई बात कह रही है तो क्या उनका दफ्तर तोड़ दिया जाएगा? आप पूछिए नरेंद्र मोदी जी से और जाकर के इनसे पूछिए जो हमारे गृह मंत्री हैं शाह साहब से, कि जब कभी भी कुछ होता है कोई नेता उसके पास तुरंत आईडी की इनकम टैक्स की रेड, तुरंत ईडी की रेड, तुरंत पुलिस की रेड, सारा का सारा महकमा अपने हाथ में रखकर दिल्ली की सरकार इस्तेमाल कर रही है। आपको याद नहीं आ रहा है क्या? आप भूल रहे हैं, आप उन बातों को क्यों उठा रहे? अच्छा तो ये मुंबई को बदलापुर बना दिया आपने, है ना? आपको लग रहा सब सही है, जायज है? नहीं, हमने कहा ये वो सोच है कि एक महिला की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? क्यों अबू आजमी, या ये सोच है सत्ता की कि एक महिला की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि एक छोटे शहर से निकलकर यहाँ आई और हमसे सवाल पूछ रही है? क्या आज उसकी छज्जा तोड़कर, उसकी बालकनी तोड़कर आप डराने की कोशिश कर रही है सत्ता आज? नहीं नहीं, मैं भी एक छोटे से शहर को छोड़कर मुंबई में आया हूँ, लेकिन मुंबई ने मुझे इज्जत दिया, सम्मान दिया, इसलिए मुंबई का आदर करना, मुंबई की इज्जत करना मेरा कर्तव्य बनता है। मुंबई में आने के बाद या कोई भी व्यक्ति अपने जहां रहता है रोजी रोटी कमाता है उसका अपमान करेगा तो मुझे लगता है कि अपने आप ही लोगों के अंदर गुस्सा आएगा और उसका जवाब। अच्छा एक बात बताइए अबू आजमी साहब, आपने आपको चलिए आज शिवसेना बहुत प्रिय है, बड़ी अच्छी बात है, आज आपकी राजनीति बदल चुकी है, पूरा देश देख रहा है आप लोगों को भी, लेकिन नहीं, मुझे बताइए, मुझे कोई शिवसेना प्रिय नहीं है। नहीं तो शिवसेना शासित बीएमसी ने ही तो किया है ये सब कुछ। मैं शिवसेना प्रिय हो, सरकार को समर्थन भी तो है ना आपका? नहीं, बीएमसी ने किया तो बीएमसी के पास जब कंप्लेंट, सुनिए ना, सरकार का समर्थन है और ऐसे इश्यूज जो गलत है उस पर अपोज भी है। अबू आजमी अभी तक सब मेरा कुछ ठीक था, अबू आजमी मेरे सवाल सुन लीजिए। हाँ। अभी तक सब कुछ ठीक था, सब कानूनी रूप से चल रहा था, कंगना रनौत का वो मणिकर्णिका का दफ्तर भी, कंगना रनौत भी अच्छी नागरिक थी महाराष्ट्र की, लेकिन अचानक संजय राउत से सवाल क्या पूछ लिया, सत्ता से सवाल क्या पूछ लिया कि सब कुछ गैर कानूनी हो गया बीएमसी के लिए? क्या इसको जायज मानते हैं आप? दिल पर हाथ रख के जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है ना, नहीं ऐसा है, जब मैं दिल पर हाथ रख रहा हूँ, दिख रहा है आपको? दिल में हाथ दिख तो रहा है। सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि जब कंगना का जब नाम टीवी पर उछला तो कुछ लोग जाकर के कारपोरेशन में कंप्लेन किए कि इसका ऑफिस इलीगल है और इस पर आप एक्शन नहीं लेंगे तो हम सीधा कोर्ट जाएंगे। देखिए हम लोग, मैं एमएलए हूं, सरकार को सपोर्ट करता हूं, अगर मेरी भी कोई चीज इलीगल है, कोई कंप्लेन करेगा तो कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी होती है एक्शन लेना, वही एक्शन लिया, उसमें क्या ये गलत क्यों बनाए? चलिए मैं फिर उसी पर आता हूं जो थोड़ी देर पहले मैं आपको कह रहा था, बहुत ही मासूमियत से आप जवाब दे रहे हैं मुस्कुरा मुस्कुरा कर, उसी पर फिर से आता हूं, फिर से एक मासूमियत भरा जवाब आपने दे दिया। मुझे ये बताइए क्या इस बात की गारंटी अब बीएमसी देगी कि कोई भी अवैध निर्माण आप मुंबई में नहीं है आज की तारीख में? सबसे जरूरी यही था कि कंगना का दफ्तर जो है वहां इनलीगल कंस्ट्रक्शन, उसे तोड़ दो। नहीं, बहुत मुंबई में अब पानी नहीं भरेगा, मुंबई के सारे गड्ढे भर चुके हैं। आपने सुना होगा चोरी और सीना जोरी, चोरी भी करो सीना जोरी भी करो, कंप्लेन होगी। मुंबई में बहुत सारे इलीगल हैं, जगह हैं, कंप्लेन होती है और वो टूटता है। आप कोई इलीगल का कंप्लेन कीजिए, देखिए म्युनिसिपैलिटी जाती है कि नहीं जाती है, जाएगी कंप्लेन। अरे अबू आजमी साहब, टाइमिंग पे भी तो सवाल खड़ा होगा ना, अभी तक सब कुछ कानूनी था। एक अदाकारा ने जो छोटे शहर से आती है, अपना नाम बना लेती है मुंबई में, वो एक सवाल क्या पूछ लेती है आपके ऊपर, आपकी जांच पर उंगली क्या उठा देती है कि पूरा जो डिपार्टमेंट है, जो पूरी सत्ता है वो उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है? बदलापुर बना दिया आपने मुंबई को, टाइमिंग पे सवाल खड़ा होगा कि नहीं होगा अबू आजमी? अरे मीडिया वाले, अरे मैडम, मीडिया वाले नहीं देख रहे हैं जीडीपी घट रही, देश की भुखमरी बढ़ गई है, कोरोना बढ़ रहा है, आप लोग लेके सुशांत सड़कों पे तो आप भी इतना ज्यादा सुशांत का नाम हो गया, बेचारा जब जिंदा था तो कोई जानता नहीं था। अबू आजमी, कोई विपक्ष में आप बैठे हुए हैं केंद्र में, आप उतरिए ना सड़कों पर, आप हम तो उतरना है, हम आपको भी कवर करेंगे। अरे मैडम, मेरा पैर छिल गया, लेकिन आप मेरे अच्छे कामों को दिखाती नहीं ना। चलिए ठीक है अबू आजमी, मुद्दे पे आते हैं, मीडिया का काम सिर्फ सुशांत है और जमात तबलीगी जमात को बदनाम करना आते हैं। सुनिए ना, मीडिया का काम सिर्फ ये रह गया है, आपको बुरा लगेगा, मैं आपको आईना दिखाता हूँ। नहीं, मैं मीडिया को, आप आईना दिखाइए ना, सड़क पर उतरिए, आंदोलन कीजिए ना, ये विपक्ष का काम होता है, जो शोभना आपको कह रही है वो कर तो पाते नहीं है, आप जनता के बीच पहुंचिए, बड़ा आंदोलन खड़ा कीजिए, सरकार की सत्ता को चुनौती दीजिए, एक छोटा सा समाज का विकास भी आपसे एक सवाल जवाब दीजिए।
मेरा जवाब दीजिए सर। नहीं पहले मेरा सवाल, लेट मी स्पीक टू फर्स्ट। नहीं पहले मेरा सवाल, आप मुझे बता दीजिए, आपके टेलीविजन ने, आप सारे मीडिया के लोगों ने महीनों तक तबलीगी जमात को कहा कि कोरोना बढ़ा रहे हैं, इनकी वजह से देश में कोरोना बढ़ा, पूरा प्रसंग देश में कोरोना बढ़ा, और आपने कितनी गालियां दिया। क्या सुनिए ना, सुनिए पहले एबीपी न्यूज देख, सुनिए मैं मीडिया की बात कर रहा हूं, मैं मैडम मीडिया की बात कर रहा हूं। हो सकता है एबीपी कुछ मीडिया वाले अच्छे हैं, ऐसा नहीं, लेकिन क्या होता है ना, एक मछली तालाब को गंदा करती है। चलिए आज मुद्दा कुछ और है, आज आज हम जिस बात पे कर रहे हैं ना, मुद्दे पे आते हैं, उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। एक मिनट, नहीं आप मीडिया की बात कर रहे हैं ना, आप अच्छे काम को दिखाते नहीं ना। अरे आप अपने, मैं आपसे सवाल कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब कुछ और देते हैं। मैंने कहा कि आप विपक्ष में है ना सर, आपका काम है सड़क पर उतरकर आंदोलन करना, जनता की बात को रखना, वो आंदोलन तो आप खड़ा कर नहीं पा रहे हैं, सरकार को चुनौती दे नहीं पाते हैं, आप मीडिया पे आ जाते हैं। छोड़िए उस बात को, मैं सवाल जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। आप दिखाने रहे हैं, कंगना ने एक और बात आंदोलन को आप दिखाई दे रहे हैं, मैं क्या करूं ना सर, एक मिनट सुन तो लीजिए। कंगना ने एक और बात कही, आज बीएमसी और मुंबई पुलिस की जो कार्रवाई हुई उनके दफ्तर के बाहर लोग पहुंचे, उन्होंने कहा कि दरअसल ये बाबर की सेना पहुंच गई है, एक तरीके से शिवसेना को उन्होंने ये कह दिया। तो क्या आपको ये बुरा लग रहा है कि शिवसेना के लिए ऐसा कहा गया, या ये राइट सिर्फ समाजवादी पार्टी का है मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने का, ये सब क्या, ये सुनो सुनो सुनिए सुनिए, मुंबई को पाकिस्तान से बात करना कि पीओके ऑक्यूपाइड महाराष्ट्र मुंबई, और इस्लामिक डोमिनेशन को खत्म करना, बाबर की सेना, क्या कहें, ये सारी की सारी बोली बीजेपी और आरएसएस की है जी। विकास आप कोई सवाल पूछना चाह रहे थे, विकास जी बिल्कुल, अबू आजमी साहब मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ, आपको बाबर से तुलना आपको बुरी लग रही है इसलिए आपने बदतमीजी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया कंगना रनौत के लिए, आपको इस्लामिक वर्चस्व खत्म करने की बात बुरी लग रही है, लेकिन आपको तब क्यों नहीं बुरा लगा जब एक पार्टी के नेता वो कहते हैं सेना प्रमुख को गुंडा, तब आप चुपचाप घर में बैठे रहते हैं, जब राहुल गांधी देश की तुलना सीरिया से करते हैं तब आप चुपचाप बैठे रहते हैं, जब कांग्रेस के नेता पाकिस्तान में जाके कहते हैं कि सरकार के प्रधानमंत्री को हटा दो, तख्ता पलट कर दो, तब आप चुपचाप बैठे रहते हैं, तब आपको बुरा नहीं लगता है, तब आपका टेलीविजन मेरे पास पूछने नहीं आया, अगर आप पूछने आते तो मैं भी क्या बात कर रहे हैं, आप पूछने आए हैं, आप लोग आज भी जो आपने शब्दों का इस्तेमाल किया था वो हम तब पूछने नहीं आए थे, बिल्कुल सही कह रहा हूं, विधानसभा के अंदर ये बात कही, हम भी तब पूछने नहीं आए थे, आप जिसे चाहो, नहीं नहीं अबू आजमी चलिए, आप लोग जब चाहो राय को पहाड़ बना दो, पहाड़ को राय बना दो, ये आपके हाथ में है, क्या करूं मैं, चलिए सारे आरोप आप मीडिया पे लगा दीजिए। संजय रनौत ने, और मैं नहीं लगा रहा, पूरा देश लगा रहा है, पूरा देश यही कह रहा है, एक महिला के लिए वो गलत सही हो सकती हैं, लेकिन संजय राउत और आपने जिस तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया, क्या आप माफी मांगेंगे आज एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर, मैं एक महिला होने के नाते इसकी निंदा करती हूं और चाहती हूं कि आप माफी मांगें। अरे महिला कर रही हैं, ये महिला करके आप क्यों अपने आप जो है वो लेना चाहती है अपनी तरफ के लोगों की हमदर्दी लेना चाहती है, आप महिलाओं का सम्मान नहीं करते, मतलब क्या कुछ बोलेंगे, क्या महिला को सम्मान देना, पूरा आदर है, लेना हो गया, बहुत ज्यादा करता हूँ, महिला मेरी माँ है, महिला मेरी बहन है, महिला मेरी पत्नी है, महिला का बहुत सम्मान, और कंगना का अपमान, महिला का सम्मान हुआ शायद कहीं नहीं हुआ होगा, महिला माँ के नहीं, कंगना जैसे लोग तो अपमान के काबिल नहीं, सर आप ही तो कह रहे ना मुंह से गलत शब्द निकल गया, माफी मांग लीजिए ना, जब मेरे अबू आजमी माफी मांग लीजिए ना, गलत शब्द का इस्तेमाल किया है आपने महिला के लिए, अरे महाराष्ट्र बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, मेरी माँ महाराष्ट्र मेरी माँ है, मैं यहाँ रोजी रोटी कमाता हूँ, मेरी माँ के बारे में कोई गलत बात कहेगा तो मेरा गुस्सा, आप गाली दे देंगे नहीं, गाली वाली कहाँ दिया मैंने, तो गांधी के देश में क्या कहना चाह रहे हैं, देने को तो दे सकता था मैं भी गाली, मुझको मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती, अच्छा विधानसभा में जब आप बोल रहे थे तब आपकी तहजीब इजाजत दे रही थी, टेलीविजन पर, नेशनल टेलीविजन पर आपको अपनी बात कहने में, ये स्वीकार करने में कि आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, वो तहजीब आपको इजाजत नहीं दे रही है, मैं तबलीगी जमात एक ऐसी जमात है जो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत और इंसानियत सिखाती है, उस जमात के बारे में जिस तरह से बातें की गई ना, मैं तो और बढ़ के उसके खिलाफ बहुत कुछ करना चाहता हूँ, आज मैं मुद्दे पे आना चाहती हूँ, मैं कंगना रनौत पे आना चाहती हूँ, वो मुंबई पहुंच रही हैं, जिस तरीके से मुंबई की धरती को बदलापुर में आप लोगों ने बदल दिया है और आप ऐसी सत्ता का पक्ष ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं बदलापुर बनाने में मुंबई को,
नहीं नहीं, मुंबई को हम लोग, मुंबई को पूरे भारतवर्ष का जो है एक आर्थिक राजधानी, इसको और अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन गलत बयानी नहीं बर्दाश्त कर सकते। अच्छा ये बताइए, अगर आप लोग संविधान की बार बार दुहाई देते हैं ना, उसी से जुड़ा मेरा सवाल है, यही संविधान तो अभिव्यक्ति की आजादी हर किसी को देता है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। अगर कोई अपनी बात कहता है तो क्या सत्ता में बैठे लोग प्रतिशोध की भावना से काम करेंगे? क्या शिवसेना की सरकार जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, आप मानते हैं इसे? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो आज जो है लोगों की आजादी है स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर बोल सकते हैं, इसका मतलब नहीं कि किसी आप जो है आप किसी ऐसे धार्मिक व्यक्ति के बारे में गलत बात बोल दें और कहें कि मुझे आजादी है, आप किसी देश के बारे में आप गाली दे दें, आप महाराष्ट्र को पाकिस्तान से कंपेरिजन कर दें और कह दें कि मुझे आजादी है इस बात की, तो मुझे लगता नहीं कि लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। आजादी बराबर है, लेकिन ऐसी कुछ चीजों पे ये आजादी हट जाती है। अबू आजमी साहब, फैक्ट्स पे बात करते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये कहा कि कोरोना काल में किसी भी तरीके की बीएमसी की ऐसी कार्रवाई ना हो, उसके बाद अचानक इतनी जल्दबाजी, कल आपने नोटिस चस्पा किया, आज आप तोड़ने पहुंच गए। क्यों ना कहा जाए कि ये प्रतिशोध की आग में सरकार काम कर रही है? इतनी विंडिक्टिव हो चुके हैं आप लोग कि सत्ता में बैठे नेताओं को ये मंजूरी नहीं है कि कोई उनसे सवाल पूछ ले, क्यों इतनी इंटॉलरेंस है आप लोगों में? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि हाईकोर्ट कुछ ऑर्डर है, अगर है, नहीं मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कोई हाईकोर्ट ऑर्डर है कि कोई मोशन नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट ने तत्परता नहीं दिखानी चाहिए, समय देना चाहिए, हाईकोर्ट ने ये साफ कहा। जवाब देंगे, जो तत्परता दिखाई गई कि नोटिस चस्पा होता है और कुछ ही घंटे के अंदर बुलडोजर पहुंचा दिया जाता है, मुंबई तो स्वर्ग बन जाती सर अगर इस तरह से बीएमसी कार्रवाई करने लग जाती, वहां पर तो कोई अतिक्रमण ही नहीं रहता। 10-10 घंटे के नोटिस पे अगर बीएमसी कठोर कार्रवाई करने लगे तो मुंबई की तस्वीर बदल जाएगी, आप भी जानते हैं, आप कई सालों से मुंबई में हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, मैं कोई सरकार को, कारपोरेशन को या शिवसेना को डिफेंड करने नहीं बैठा हूं, मैं जो जमीनी हकीकत है वो आपको बयान कर रहा हूं। अगर गलत है हाईकोर्ट का ऑर्डर, गलत किया तो जवाब देंगे लोग, लेकिन मैं तो उन बातों पे बात कह रहा हूं कि कारपोरेशन उस वक्त कार्रवाई करने जाती है जब कोई शिकायत कंप्लेन पहुंच जाती है। मैं उन बातों कह रहा हूं कि अगर कोई, जहां हम रहते हैं हमारे प्रदेश के बारे में कोई कहे कि मुझे भरोसा नहीं पुलिस के ऊपर, मुझे सरकार के खिलाफ बातें करे और इसको जो है पाकिस्तान से कंपेरिजन करे और फिल्म लाइन को जो कहे कि मैंने इस्लामिक डोमिनेशन खत्म किया, इस बात पे मैंने उनका अपोज किया। आप युवा पीढ़ी को, समाजवादी पार्टी जो कि युवाओं की पार्टी कही जाती है, आप ये संदेश दे रहे हैं कि अगर सामने वाला डंडा उठाए तो हम भी डंडा उठा लें, यही कहना चाह रहे हैं आप कि अगर उन्होंने अपमान किया तो अपमान का बदला अपमान होगा? गांधी जी का देश है ये, हम हिंसा के बदले भी अहिंसा की बात करते हैं। नहीं नहीं, होना चाहिए गांधी जी के देश है, लेकिन मैं देखिए ऐसा है ना कि कोशिश तो ये होना चाहिए कि एक झापड़ कोई मारे तो जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन इंसान में बर्दाश्त नहीं होती है ना। अभी आपने मुझे मारा, अगर मेरी ताकत है मैं जरूर माफी मांग लीजिए, गलत हो गया तो माफी मांग लीजिए। गांधी जी के जमाने आज 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 शिवसेना आपको इतनी प्रिय क्यों हो गई है, जरा मुझे बताइए, जिसके 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 समर्थन में आप इस तरीके से उतर आए हैं? अरे एक्चुअल शिवसेना देखिए, हम तो बीजेपी को दूर रखने के लिए जो लोग भारतवर्ष की जमुना गंगा जमुनी तहजीब जो हजारों साल से है, जो लोग उसको मटिया मेल करने के लिए लगे हैं, ऐसी पार्टी को दूर रखने के लिए मैं शिवसेना को सपोर्ट कर रहा हूं। अच्छा, और मेरा लग रहा है अबू आजमी साहब, इसलिए अबू आजमी साहब दूर और शिवसेना, मुझे तो लग रहा है जैसे अभी अभी आप मुंबई आए हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप शिवसेना को जानते ही नहीं है बिल्कुल। और अबू शिवसेना की क्या राजनीति रही है पिछले दिनों में आप शायद नहीं समझते हैं भाई, जब यही शिवसैनिक सुबह का बोला शाम को घर वापस आए खड़े हो जाते हैं, आज आपको सूट कर रहा है तो आप उनके साथ हैं बिल्कुल। नहीं नहीं, सूट कर रहा है, अगर उत्तर भारतीयों के खिलाफ शिवसेना थी तो मैं शिवसेना के खिलाफ था, लेकिन वो उत्तर भारतीय अगर कहते कि महाराष्ट्र के को गाली देते, उत्तर भारतीय तो ये कह रहे हैं कि मैं हमें उत्तर पैदा करने वाली माँ उत्तर प्रदेश है, हमें पालने वाली माँ हमारी महाराष्ट्रियन है, वो उत्तर भारतीयों को मैं सपोर्ट करता हूँ और शिवसेना के खिलाफ खड़ा हो जाता हूँ। मैं आज भी शिवसेना की यहाँ कोई वो नहीं कर रहा हूँ, पैदल ही रवाना कर दे रही थी महाराष्ट्र सरकार, यही शिवसेना की सरकार, तब आप खिलाफ नहीं उतरे शिवसेना सरकार के, तो कहीं ना कहीं इस समय आपको सूट कर रहा है सत्ता के साथ खड़े होना। मैं आपको भेजूं मेरी वीडियो क्या कि मैं कितना सरकार के खिलाफ आंदोलन किया मैंने, इस बारे में मैंने कितना लोगों को भेजने के लिए क्या क्या नहीं किया यहां पर, लेकिन मैं यहां तो शिवसेना की बात ही नहीं, यहां तो बात है महाराष्ट्र की, जो महाराष्ट्र जहां मैं रोजी रोटी कमाता हूं,
इस महाराष्ट्र में जहां लोग भूखे आते हैं लाखों करोड़ों की तादाद में और एक यहां पर आने के बाद अपना नाम कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, इज्जत कमाते हैं, उस महाराष्ट्र को कोई गाली दे तो मैं कैसे बर्दाश्त करूं। अच्छा, मतलब जैसे को तैसा आप ये कह रहे हैं, उसी जुबान में अब आप बात करेंगे, आपको ये ख्याल नहीं रहेगा कि आपने लगभग सुबह से कंगना रनौत के ट्वीट नहीं देखे। कंगना रनौत ने सुबह से लगातार ट्वीट किए हैं, उसमें जय महाराष्ट्र बोला है, उसने मुंबई को अपनी माँ बताया है, उसने जय शिवाजी बोला है, उसने लगातार ट्वीट करके बोला है कि मुंबई ने उसको रोजी रोटी दी है, मुंबा देवी जिसको चाहती है वो मुंबई में ठहरती है, इसलिए मैं मुंबई में हूँ। आपने ये ट्वीट देख के तो एक बार भी उसकी तारीफ नहीं की। यहाँ पर ये भी कह दिया एक बार कि मैंने इस्लामिक कहा था, उसकी माफी चाहती हूँ, गलती से हुआ था तो मैं तारीफ कर दूंगा। ये कब कहा था उसने, हमें तो याद नहीं है, हाल फिलहाल में तो नहीं कहा, पता नहीं कब का बयान, गलती हुई आज उसको कोट कर रहे हैं। मेरे पास अभी का बयान है, परसों का अखबार मेरे पास रखा हुआ, मैं आपको भेज देता हूँ। हाल ही में तो कंगना रनौत ने नहीं कहा, लेकिन आज जो कहा है, आज जो कंगना रनौत ने कहा है, अगर आप कह रहे हैं कि जैसे को तैसा, तो आज जब वो मुंबई को महाराष्ट्र को अपनी माँ बता रही है, तो आप उसकी तारीफ में कसीदे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? अरे कैसे था अभी कल अब आज इसको आना यहाँ पर तो ऐसी बात कर दी, कल वो किए थी, बोल दे डोमिनेशन खत्म कर, शिवसेना नागवार थी आपको, आज बहुत प्रिय है, आप क्या अलग कर रहे हैं? आप भी तो अपनी सहूलियत के मुताबिक अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो शिवसेना ने, मैं वही तो कह रहा हूँ कि सुबह का भूला शाम को वापस आए, उसे भूला नहीं मानते। तो आप पहले भूल के वापस आ जाइए, आप अपनी गलती के लिए माफी मांग लीजिए। कंगना, दैट इज 50% इस्लामिक वाली बात, क्या वो भी कह रहा होगी बाबर इस्लामिक, बाबर तो आक्रांता था, बाबर से आप कैसे समझ लीजिए, बाबर तो आक्रांता था साहब, अटैक किया था उसने, भारत पे हमला किया था, यहाँ नुकसान पहुंचाया था, देश में देश का दुश्मन था बाबर, तो इस तरह तो आपको परवेज मुशर्रफ भी अच्छा लगना चाहिए। अबू आजमी साहब आपको, हाँ चलिए जवाब दे दीजिए फिर मैं। नहीं बिल्कुल नहीं, परवेज मुशर्रफ आप लोगों को अच्छा लगता होगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। चलिए ठीक है, अबू आजमी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि कंगना रनौत जो कि हमेशा से बहुत मुखर रही हैं, जब सुशांत सिंह मौत मामला आया तो ये वही कंगना रनौत है जिन्होंने नेपोटिज्म के खिलाफ बॉलीवुड के अगेंस्ट वो खड़ी हो गई, वो उन लोगों के खिलाफ खड़ी हो गई जिनके साथ वो दिन रात काम करती हैं, ये उनका स्वभाव है कि वो सच के साथ खड़े होना चाहती हैं, इसमें ऐतराज क्यों हो गया? क्योंकि सवाल आपसे पूछ लिया, इस बार सत्ता से पूछ लिया, तब तक वाही वाही, जब तक वो बॉलीवुड से सवाल पूछ रही थी। डोमिनेशन को मैंने खत्म किया, बॉलीवुड में इस्लामिक नाम लेने की कोई जरूरत नहीं थी उसको, उसने इस्लामिक डोमिनेशन की बात किया, ये क्यों करती है? इस्लामिक इस्लाम के बारे में ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, उसको माना कर दीजिए, माफी मांगे जी जी, जिसका जिक्र नहीं आप, मैं आपकी ट्वीट समझ गया, लेकिन इसके अंदर दर्शकों को भी जानना चाहिए ना, आप शिवसेना को कह रहे हैं कि सुबह का भूला शाम में घर आ गया, कंगना ने जो ट्वीट किया, सुन लीजिए सर, थोड़ा सा रखिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं मुंबई में मेरा घर है, मैं मानती हूँ महाराष्ट्र ने मुझे सब कुछ दिया, मगर मैंने भी महाराष्ट्र को अपनी भक्ति और प्रेम से एक ऐसी बेटी की भेंट की है जो महाराष्ट्र शिवाजी महाराज की जन्मभूमि में स्त्री सम्मान और अस्मिता के लिए अपना खून दे सकती है, जय महाराष्ट्र, ये कह रहे हैं ये कंगना। अब आप तारीफ कर दीजिए इनकी, कहिए नहीं अभी कि सुबह का भूला शाम में घर आ गई है वापस। नहीं करूंगा तारीफ जब तक, नहीं करूंगा तारीफ, नहीं करूंगा तारीफ जब तक वो ये नहीं कहेगी कि मैंने इस्लामिक डोमिनेशन के बारे में जो कहा, मैं माफी चाहती हूँ आपके लिए, मैं जरूर तारीफ, पहले इस्लाम है बाद में महाराष्ट्र, मैं जरूर माफी मांग लूंगा। अबू आजमी साहब सब कुछ छोड़िए, नहीं पहले इस्लाम की, महाराष्ट्र भी है, इस्लाम भी है, सब एक साथ है, फिर महाराष्ट्र की वो तारीफ कर रहे हैं, कंगना रनौत तो लगातार ट्वीट करके महाराष्ट्र की तारीफ कर रही है, जय महाराष्ट्र कह रही है। महाराष्ट्र क्या आपको अपनी जागीर लगता है क्या? आप नेता तो अगर आप महाराष्ट्र में आ गए हैं उत्तर प्रदेश से, आपको बहुत प्यार दिया है महाराष्ट्र ने, तो क्या आपका हक हो गया है उस जमीन पर? कोई और आदमी वहाँ सवाल नहीं खड़े कर सकता? ये कैसी राजनीति कर रहे हैं अबू आजमी साहब? माझा महाराष्ट्र, हम सबका महाराष्ट्र, जो लोग यहाँ रहते हैं सब महाराष्ट्र में रह करके महाराष्ट्र का अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान, लेकिन आप एक महिला का अपमान करके किसका सम्मान कर जाता है अबू आजमी? सवाल पूछना अपमान कैसे हो जाता है, मैं समझना तो पुरुष का अपमान करा जाए क्या? आप महिला महिला की बात कर रहे हैं। अरे तो आप ही ने अभी इसी टेलीविजन पे कहा और हमारे करोड़ों दर्शकों ने देखा कि महिला महिला करके क्या महिला सर पे बैठ जाएगी? कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे आप? आपके घर की भी महिलाएं देखेंगी तो आपको वो आपको आपको खुद कहेंगी कि आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। चलिए तो हम अबू आजमी साहब बने रहिए आप हमारे साथ, हम लगातार तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और तस्वीरें ये कि कंगना रनौत की फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है
और अब से कुछ देर बाद वो मुंबई पहुंचेंगी, वो मुंबई जिसको बदलापुर में बदल दिया गया है सत्ता पक्ष के द्वारा। अबू जी अखिलेश बिल्कुल, और ऐसे में एक बड़ा सवाल है अबू आजमी जी, सीधा सा जवाब दीजिएगा, जो विकास भी आपसे कह रहे थे और हमारी जब बातचीत शुरू हुई थी आपने बिल्कुल शुरू में एक बात कही थी, जैसे को तैसा, इसका क्या मतलब निकाला जाए, आप क्या करना चाह रहे हैं? जैसे को तैसा, कंगना थोड़ी देर में पहुंचने वाली है मुंबई, तैसा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, कोई देखेगा भी नहीं, जहां जाएगी जाए, जहां कहीं भी जाए वो, कोई जिसको बोलना था बोल दिया, कोई उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, जाए जहां जाना है। मतलब शिव सैनिक नहीं पहुंचेंगे, विरोध नहीं होगा उनका? आपको बिल्कुल अपनी भाषा के लिए, अपनी जुबान के लिए, अपने शब्दों के चयन के लिए बिल्कुल खेद नहीं है? अरे मैंने कोई ऐसी बात बोली नहीं, तो खेत क्यों, खेत तो वो लोग करें जिन्होंने गलत बात बोली। आप ही खुद कह रहे थे जैसे को तैसा, आप खुद कह रहे थे कि गुस्से में आप बोल गए। पुलिस को लेकर जो सवाल उठाए गए कंगना रनौत के द्वारा जांच, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, केस में क्या आप उसे गलत मानते हैं? और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस बातचीत को आगे हम जारी रखेंगे, लेकिन बता दें आपको कि खबर यह है कि कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले हलचल अचानक से बहुत तेज हो गई है। एक अपडेट अभी अभी एक जानकारी हमें मिल रही है कि संजय राउत के घर पर जमा हो रहे हैं शिवसेना के कार्यकर्ता, इसका क्या मतलब निकालें? अबू आजमी साहब इसका क्या अर्थ निकाले इस खबर का? मत करो, किस नियत से शिवसैनिक इकट्ठा हो रहे हैं संजय राउत के घर के बाहर? संजय राउत के खिलाफ बयान क्या दे दिया, सवाल क्या पूछ लिया कि सब कुछ गैर कानूनी हो गया? अरे आप ये संजय राउत से पूछिए ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन मैं ये कहूँ जरूर संजय राउत से, शिवसेना से मैं कहूँगा कि आप लोग कोई एयरपोर्ट मत जाओ, कोई उसका विरोध मत करो, छोड़ दो उसकी इसकी हालत पर। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपको बता दूं अबू आजमी साहब, कंगना रनौत के जो वकील है रिजवान, वो भी इस्लाम धर्म से ही आते हैं, मुस्लिम है वो भी मुस्लिम है, लेकिन जिस तरीके से आप इसको हिंदू मुस्लिम एंगल दे रहे हैं, काफी नाराज नजर आए अबू आजमी साहब। सत्ता पक्ष से कंगना ने सवाल क्या पूछ लिया अखिलेश, कि सब कुछ गैरकानूनी नजर आने लगा बीएमसी को भी? बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति हो रही है शोभना जो आप कह रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि संजय राउत के घर के बाहर इस वक्त शिवसेना के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं। अब सवाल यह कि इसका क्या मतलब निकाला जाए, क्या किसी खास तरह की तैयारी चल रही है, आने वाले कुछ घंटों में मुंबई में क्या होने वाला है? कंगना रनौत बस थोड़ी देर में पहुंचने वाली है, समय बताया जा रहा है 2:50, जब उनका विमान जो चंडीगढ़ से टेक ऑफ कर चुका है वहां पर लैंड होगा। ऐसे में कंगना जब वहां पहुंचेंगी तो होगा क्या, ये एक बड़ा सवाल है।